हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत बड़ी जो है न्यूज़ है, और वो क्या है, सिलेबस को लेकर। क्योंकि सिलेबस के लिए बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम जो है तैयारी कैसे करें, हमें तो पता ही नहीं है कि नया सिलेबस क्या रहेगा। सबसे पहली बात कि आपके दो एग्ज़ाम होंगे, पहला जो पात्रता परीक्षा होगी रीट की, तो वहाँ पर सिलेबस जो है वो वही रहने वाला है जो कि मैंने आपको बताया था। क्योंकि अब तक जो है उसका सिलेबस नहीं आया है, और उसके बाद की जो परीक्षा होगी उसका सिलेबस इन्होंने जारी कर दिया है। ठीक है, तो मोटे तौर पर क्या रहने वाला है सिलेबस, वो यहाँ पर अभी आया है। तो यहाँ पर रीट का जो पेपर होगा सिलेबस वही रहेगा। ठीक है, वहाँ आपकी जो है आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 में से 150 आपको जो है वो करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग वहाँ नहीं होगी, जैसा अभी तक पेपर करते आए हो वैसा आपको करना होगा। बात करेंगे अब सेकंड पेपर की। ठीक है, जिसको क्वालिफाई करके जो है वो आप टीचर बनोगे, क्योंकि पहला जो पेपर है वो आपकी केवल पात्रता परीक्षा होगी। ठीक है, तो उसमें भी ये नहीं सोचना है कि आप 90 नंबर लाओगे और आपको पास होना है केवल, क्योंकि वहाँ की जो तैयारी है वो आपकी सेकंड पेपर में भी काम आएगी। तो वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के बारे में सोचना है। तो चलिए अब बात करूँगी, यहाँ पर मैं लेवल 1 लेवल 2 दोनों की बात करूँगी, और जिसमें परीक्षा जो है वो आपकी होगी 300 अंकों की। ठीक है, यहाँ पर देखिए 150 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, और प्रश्न पत्र की जो समय अवधि है यानी आपको 2.5 घंटे जो है वो आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न हैं, 150 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी होंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर। देखिए, जो बच्चे हमारे चैनल से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, ये सिलेबस देख के जो है वो उनको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है। क्योंकि सेकंड ग्रेड के सिलेबस के लिए मैंने आपको बार बार बोला था कि जो आपका पेपर होगा रीट के बाद, दूसरा जो पेपर होगा भर्ती का, तो वहाँ पर आपको सेकंड ग्रेड के सिलेबस में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, पूरी मदद मिलेगी। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव मार्किंग होगी, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है वो आपका 1/3 जो है वो भाग काटा जाएगा। ठीक है, अंकों का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगी किसकी, आपकी जो है लेवल 1 की। तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। ठीक है, और अब तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल से तैयारी की है तो उनको ये पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा जो है उनको लाभ हुआ है यहाँ पर। अब देखिए लेवल 1 जो है कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो बच्चे एग्जाम देंगे, तो यहाँ पर राजस्थान का जो जीके है जो कि आपके सेकंड ग्रेड में 80 मार्क्स का है, यहाँ पर तो 90 अंक का है। ठीक है, 45 क्वेश्चन तो आपके केवल और केवल राजस्थान जीके के ही पूछे जाएंगे। 150 में से 45 क्वेश्चन आपके किसके पूछे जाएंगे, राजस्थान जीके के। तो आपकी जो हमारी अभी बुक चल रही है, जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हो, जिन बच्चों ने PDF ली है, अब समझिए उनको कितना ज़्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं है कि हम जो है सेकंड ग्रेड का पेपर देंगे तो उसके लिए अलग तैयारी करेंगे, अब रीट के बाद जो पेपर देंगे उसके लिए अलग तैयारी करेंगे, समान है। सिलेबस इतना बड़ा है कि लगभग आपको 5-6 महीने जो है वो इसमें चाहिए, ये आप ध्यान रखिए, इतना आसान नहीं है इसको पार करना। ठीक है, तो राजस्थान का जीके आपका 90 नंबर का है, तो ये समझिए कि आपका 90 नंबर तो तैयार है, बिल्कुल तैयार है, चाहे वो सेकंड ग्रेड के हमारे चैनल से कर रहा हो या जिसने क्वेश्चन आंसर सीरीज को ज्वाइन किया हो। ठीक है, और RBSC की बुक जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। अब जो रीट का सिलेबस है वो आपका वही है जो पिछले साल था, तो वहां पर सिलेबस में बिल्कुल मेंशन था कि आपको RBSC की जो बुक है वो पढ़नी होगी। तो राजस्थान का जीके आप जो है वो तैयार है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम और सामयिक विषय, यानी आपका करंट अफेयर तो पूछा ही जाएगा यहाँ पर, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है वह पूछा जाएगा, इसके साथ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा, और सामयिक विषय के बारे में पूछा जाएगा। तो बहुत अच्छे से इन्होंने इसको जो है यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है कि जो है करंट अफेयर ही केवल पूछा जाएगा या इसके अलावा भी क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैं मालूम करके आपको बता दूंगी, आप इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपके जो है राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है
यानी करंट अफेयर जो है वो आपका यहाँ पर आपको मिलेगा। यही बात जो है वो आपको कहाँ पर मिलती है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। फिर देखिए विद्यालय विषय, तो लेवल 1 वाले हैं, इनको सभी विषय जो है इनके बारे में जो है वो जानकारी करनी होगी, यानी इनको विद्यालय विषय में जो चल रहे हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, मैथ है, सामान्य ज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, तो ये सब पढ़ने होंगे। आप 1 से 5वीं क्लास तक पढ़ाओगे तो आपको 8th क्लास तक आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। तो ये 10-10 अंक के होंगे, यानी कि यहाँ 5 क्वेश्चन जो है वो आपके हर सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे, ठीक है। सामाजिक अध्ययन यहाँ पर वही है, RBSC की बुक आप पढ़ोगे, राजस्थान का GK आप पढ़ोगे, यहाँ आपका काम आ जाएगा। 10 अंक जो है इसके लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। अगला देखिए शैक्षणिक रीति विज्ञान, तो यहाँ पर जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो पूछी जाएंगी, यानी हिंदी में जो है वो 8 अंक, अंग्रेजी में 8 अंक, गणित में 8 अंक, सामान्य विज्ञान में 8 अंक और सामाजिक अध्ययन में 8 अंक, यानी कि कितने अंक का हो गया, ये हो गया 4 4 4 4 4, यानी कि ये जो प्रश्न कितने हो गए, 20, ठीक है। तो 20 अंक के, 20 जो आपके प्रश्न हैं वो आपके शैक्षणिक रीति विज्ञान से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब शिक्षण विधियां जो हैं उनकी जानकारी आप रखते हो, पहले जो है वो आपको शिक्षण विधियां जो है वो 15 मार्क्स की आपको जो है लैंग्वेज में, दोनों हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी या संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, और SS हो गई उसमें, तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स की मिलती थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो केवल 20 मार्क्स की जो है वो आपको सारे सब्जेक्ट में मिलेगी। फिर देखें साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी जो है वो बाल मनोविज्ञान नहीं है, शैक्षणिक मनोविज्ञान है, और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी क्या है, शैक्षणिक मनोविज्ञान ही है, ठीक है। जैसा का जैसा वहां पर पूछा जाएगा वो ही यहाँ पूछा जाएगा, 20 अंक का, ठीक है। थोड़ा कम ही रखा गया है इसका, शैक्षणिक मनोविज्ञान का 10 अंक आपके, 10 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे। सूचना तकनीकी के जो क्वेश्चन है IT के, तो वो आपके 10 अंक होंगे, यानी कि 5 जो आपका प्रश्न है 5 वो आपके यहाँ पूछे जाएंगे, ठीक है। कुल योग कितना होगा, 300 अंक, 150 प्रश्न, 300 अंक नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, और मैं ये कहती हूँ कि आप लोग तैयारी करते हैं सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, रीट की, चाहे रीट के फर्स्ट पेपर की, चाहे सेकंड पेपर की, 12वीं तक जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ जाओ सारे सब्जेक्ट जो स्कूल में चल रहे हैं, जिनके आप अध्यापक बनोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यही चीज जो है वो मैंने अपने नोट्स जो हैं जो भी आप लोगों को दिए जा रहे हैं, जो भी बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर पता चलेगा। तो विद्यालय विषयों के अंतर्वस्तुओं का स्तर जो है वो माध्यमिक स्तर होगा, और कठिनाई का स्तर जो है वो उच्च माध्यमिक स्तर का होगा, यानी लेवल 1 वाले जो है वो 10वीं तक का पूरा पढ़ जाएं तो उनका जो है आराम से एग्जाम हो जाएगा। देखिए सिलेबस बहुत ज्यादा है, पहले बच्चे ये सोच रहे थे कि हम रीट की तैयारी कर लेंगे, सेकंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड की हम नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रीट का सिलेबस भी बहुत ज्यादा है सेकंड पेपर का, और आपके जिस तरीके से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का ज्यादा है, ठीक है। तो कहीं भी आप नहीं बच सकते हो, पढ़ाई आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। अध्यापक लेवल सेकंड जो है वो कक्षा 6 से 8 तक के लिए, तो यहाँ आपके देखिए क्या है, जहाँ आपके लेवल 1 में 90 जो नंबर हैं राजस्थान GK के हैं, तो यहाँ पर आपको केवल 70 अंक का है, यानी 35 क्वेश्चन आपको जो है राजस्थान GK के यहाँ पर करने होंगे, ठीक है। ये आपका तैयार ही है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 80 मार्क्स का जो है पूछा जाएगा राजस्थान का GK, और वो 80 का बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को करवा दिया है, जिन बच्चों ने भी हमारे से कोर्स लिया है, ठीक है। 80 में से 80 ही मार्क्स आप लेके आओगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामूहिक विषय, यहाँ पर वो उसी तरीके से 60 अंक का होगा आपका जो करेंट अफेयर होगा। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, यानी यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, 120 अंक का आपका खुद का सब्जेक्ट। जो SST के बच्चे हैं तो उनको SST का पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। और यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन तक की बुक जो है वो पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखिए ग्रेजुएशन तक की बुक जो है वो पढ़नी पड़ेगी। शैक्षणिक रीति विज्ञान, तो यहाँ पर जो टीचिंग है वो आपकी 20 अंक की, यानी कि 10 नंबर की ही आएगी, ज्यादा नहीं है, तो आपको यहाँ सोचने की ज्यादा जरूरत
नहीं है। शैक्षणिक मनोविज्ञान आपका 20 अंक का यानी कि 10 प्रश्न आपके आएंगे और आपके जो है वो तैयार ही है। सूचना तकनीकी जो है वो 10 अंक का आएगा, केवल 5 ही प्रश्न आएंगे। तो सबसे ज्यादा आपको तैयारी किसकी करनी है, राजस्थान जीके की करनी है, ठीक है, जो हमारी बुक अभी हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से घोट कर पी जाए उसको, 70 अंक की, ठीक है। 60 मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पर करंट अफेयर होगा, और इसके अलावा भी मैं आप पता करूंगी कि यहाँ जो है वो आपको कौन कौन से पॉइंट जो है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान ये 120 अंक का होगा, बिल्कुल नहीं बच सकते हो, SST के बच्चे बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे यहाँ, ग्रेजुएशन तक का पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है शिक्षण विधियां हैं वहां पर आप इतना ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि रीट में शिक्षण विधियां लगभग आपकी तैयार ही है। साइकोलॉजी जो है यहाँ बाल मनोविज्ञान नहीं है, शैक्षणिक मनोविज्ञान है। अब आप खुद सोचिए, जो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये पूरा सिलेबस जो है वो साथ में चल रहा है। राजस्थान जीके आपकी 70 अंक की तैयार है, ठीक है। 120 अंक का जो RBSC के मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हैं, 6 से 10 तक के, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, आपका SST के बच्चे आप लोगों का तैयार है, ठीक है। और इसके अलावा 20 अंक ये मैं आप लोगों को वहाँ पर भी करवा दूंगी, जो टीचिंग मेथड है। शैक्षणिक मनोविज्ञान जो आपका चल रहा है यहाँ पर 20 अंक का है, ठीक है। सूचना तकनीकी आपका 10 अंक का है। तो ये सोचिए 300 में से जो है वो आपको बहुत अच्छे जो है नंबर आपको लेने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अभी इतना आसान नहीं रहेगा, जैसे आपका रीट का एग्जाम था तो आप लोग 150 में से बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स लेके आए, क्योंकि वहां पर शिक्षण विधियां जो थी वो आपकी बहुत ज्यादा पूछी जा रही थी। हर सब्जेक्ट में से आपकी जो है वो 15 मार्क्स शिक्षण विधियों के थे। यहाँ पर जो है वो आपको हर तरीके का जो ज्ञान है वो लेना होगा, ठीक है। और जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, 101% उनका जो है सिलेक्शन होगा, यदि वो अच्छे तरीके से फॉलो करें चैनल को, और अच्छे तरीके से जो जो मैंने आपको बताया है उसे आप पढ़ते चलिए। यहाँ पर देखिए जो कठिनाई स्तर है वो आपका कितना क्या होगा, स्नातक, ठीक है, और उच्च माध्यमिक स्तर तक जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ये सिलेबस आने से पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। मेरे द्वारा जो आप लोगों को नोट्स अभी प्रोवाइड किए करवाए जा रहे हैं वो सभी जो है वो ग्रेजुएशन लेवल तक के हैं, ठीक है। तो चलिए ये चीज जो है वो आप लोगों को पता लग गई है, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। और 6 महीने तक का जो है वो लगाकर सोचिए कि 6 महीने तक जो है वो आपको ये पढ़ना होगा। तो बिल्कुल भी बच्चे ऐसे ना बैठें कि रीट का एग्जाम जो है वो जब निकल जाएगा 90 नंबर हम ले लेंगे और उसके बाद हम तैयारी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बहुत जो है गलत कर दोगे अगर आप ऐसा करोगे, ठीक है। तो अब सेकंड ग्रेड के जो तैयारी कर रहे हैं, रीट के जो सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उन बच्चों को, क्योंकि सिलेबस जो है वो लगभग समान ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम और भी कई बातें करेंगे जो भी आपके सिलेबस के साथ जुड़ी होगी। थैंक यू।